सो हेलो गाइस, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सर्वाइवल सीरीज माइनक्राफ्ट पीई की पॉकेट एडिशन की, और ये बिगिनर्स के लिए है। सो लेट्स बिगिन। और मैं अभी फर्स्ट पर्सन मोड में आ जाता हूँ। सो ओके गाइस, मैं अभी फर्स्ट पर्सन मोड में आ चुका हूँ और आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, पेड़ वेड़ ढूंढते हैं, क्योंकि फर्स्ट आपका टारगेट मिशन यही होता है कि पेड़ ढूंढना। अरे ये क्या डेजर्ट टेम्पल? वाह भाई साहब, डेजर्ट टेम्पल स्टार्टिंग में मिल गया। गाइस ऐसा भी कोई आपको पिरामिड टाइप कुछ दिखे तो आप वहाँ पे लूट करने जाना, पर ये ध्यान रखना कि आपके पास पिकैक्स वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। हाँ मतलब इतना भी रेयर नहीं होता कि मिले ही ना, होता है भाई, रेयर होता है। डेजर्ट में बहुत घूमना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए। मुझे तो सामने यहाँ के मिल गया। और ये ना, अगर आप बीकन लगाते हो वेदर को मारने के बाद, यहाँ पे बीकन लगाते हो तो एकदम सेम, मतलब इसमें जो ब्लॉक्स की फिटिंग होती है ना, वो बीकन के ब्लॉक के उसकी होती है अकॉर्डिंग में, तो आप बीकन भी लगा सकते हो। पर वो बाद की बात है, बहुत बाद में जाके लगाते हो। अब वो अलग बात है कि आपने, आपके पास नेदर स्टार पहले आ गया, विदर को मार के बहुत पहले आ गया, तो लगा सकते हो। तो अभी आगे चल के देखते हैं और क्या है। पेड़ ढूंढना यार, पेड़ पहले ढूंढना होता है, वहाँ पे कोल मतलब आयरन वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे ही मिल गया आयरन तो लॉल। चलो यहाँ पे चार आयरन तो मिल ही जाएंगे कम से कम। चार आयरन से भी मेरे पिकैक्स बन जाएगी एक, क्या पता चार से भी ज़्यादा हो, डबल लेयर हो काश। तो पहले तो अभी तोड़ने का तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि अभी अगर पहले से तोड़ने लग जाऊँगा तो वो कुछ मिलना ही नहीं है। आपके पास पहले होनी चाहिए एक वुडन पिकैक्स। वुडन पिकैक्स से तोड़ना आप स्टोन। स्टोन तोड़ने के बाद आपको मिलेगा, स्टोन तोड़ने के बाद आपको स्टोन मिलेगा, उसके स्टोन पिकैक्स बना लेना और हो जाएगा। अरे पेड़ दिख रहा है मुझे, पेड़ के पास चलते हैं, लेट्स गो। और ये क्या है, शुगर केन। इसको ना आप जब भी देखो कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको कलेक्ट कर लेते तो आप अरे ये क्या है। ओके गाइस, देयर इज़ अ विलेज। सो विलेज को लूटने से पहले हम थोड़ा सा शुगर केन ले लेते हैं, यहाँ पे भी है। गाइस पेपर बनाने में बहुत काम आता है, और बाद में जाके इंचांटिंग भी करनी होती है आपको इंचांटमेंट टेबल से, तो चाहिए होता है, उसको आप कलेक्ट कर लो। तो चलो अभी पहले पेड़ तोड़ते हैं, आयरन लाते हैं, और उसके बाद विलेज एक्सप्लोर करते हैं। और विलेज भी मतलब विलेज तो आसानी से मिल ही जाता है, बाकी इसके ना आसपास ना एक वो भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, पर कभी कुछ केस में नहीं होता। मुझे नहीं पता इसके आसपास क्या विलेजर आउटपोस्ट होगा कि नहीं, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हम एक न एक बार रेड कराएंगे जब हमारे पास हैवी टूल्स होंगे, मतलब बढ़िया से टूल्स होंगे, फिर हम इस पे विलेज पे रेड कराएंगे, और इनके जो रेट होते हैं ना आधे कर देंगे, 30% डिस्काउंट। जैसे ये एक दे रहा है एक चीज़ को 10 डायमंड में दे रहा है, तो ये 7 डायमंड में कर देगा 30% डिस्काउंट। सो वो हम ले लेंगे। तो अभी जैसे मैंने ये तोड़ा, 10 हो गए, इसके फटाफट से प्लैंक्स बना लेते हैं। ओके, और RGB लाइट चाहिए ऐसी इन्वेंट्री में। सो गाइस प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर करा दो, पूरा कराया नहीं। और बाकी की स्टिक्स बना लो, मतलब जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है स्टिक्स बना लो, और कभी भी पूरे वुडन टूल्स मत बनाना। अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है मतलब स्वॉर्ड बनाने की तो बना लेना, पर जैसे अभी सुबह हो रही है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है स्वॉर्ड बनाने की, क्या करोगे स्वॉर्ड का, तो कोई जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फटाफट इधर को निकलते हैं, यहाँ पे मेरी वो थी ना केव टाइप जो भी था उसको जल्दी से लूटते हैं। सो गाइस वो वाली जगह तो मिली नहीं, पर मुझे अभी ये कोल मिल गया है, तो कोल ले लेते हैं। कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत में, और बाद में भी होता है, खाना आप इससे ले सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ ताकि मेरे पास वुडन पिकैक्स हो जाए। पर ये मत समझना कि स्टोन पिकैक्स से वो मतलब टूटता ही नहीं है, या फिर ये मत सोचना कि टूट के मिलता नहीं है कोल। कोल अगर आप तोड़ोगे ना वुडन पिकैक्स से तब भी मिलेगा, चाहे किसी भी पिकैक्स से तोड़ो आपको कोल मिलेगा ही, पर हाथ से मत तोड़ना, हाथ से नहीं मिलता। ओके मुझे मिल गया एक ही कोल था यहाँ पे, नहीं अच्छा है और है और है, यहाँ पे भी है, वेरी गुड। और ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके यहाँ पे ये है क्राफ्टिंग टेबल, मेरी क्राफ्टिंग टेबल, तो एक एक्स बनाना चाहूँगा पहले तो मैं, पहले नहीं 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 रहने दो, अभी थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कुछ मिल जाए तो आयरन वगैरह। सो गाइस जब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक भी आयरन नहीं मिला, तो अभी मैं डेजर्ट टेंपल पे आया हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे पास है एक स्टोन की पिकैक्स, तो यहाँ से मैं इसको तोड़ के चलूँगा। और गलती से भी प्रेशर प्लेट पे पैर मत रखना, क्योंकि प्रेशर प्लेट के नीचे TNT होता है, और वो एक्टिवेट हो गया तो मतलब ख़त्म। और देखो मेरे पास सैडल और हॉर्स आर्मर आ गया, वाओ। एक हॉर्स को टेम करके उसको अपना हॉर्स बना लेंगे,
फिर उस पर मैं राइड कर सकता हूँ। ओके, हड्डियाँ देखो गाइस, हड्डियाँ आपको लेनी ज़रूरी है और स्ट्रिंग्स भी। सो पहले तो ये तोड़ लो और स्ट्रिंग्स भी ले लो, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है, उसको कलेक्ट करना ज़रूरी है। और ये हड्डियाँ भी ले लो, बोन्स। और यहाँ पे मेरे को गोल्ड मिल गया, वेरी गुड। मतलब गोल्ड का तो इतना काम नहीं है, पर इतना गोल्ड मिल गया कि हेलमेट बना लूँ, क्योंकि जब भी अगर नेदर में जाते हैं तो जो वहाँ के पिगलिंस होते हैं वो हम पे अटैक करते हैं। वाओ, यहाँ पे डायमंड और एमरल्ड भी हैं। वाओ यार, ये रेयर लूट है, ये हर जगह पे नहीं मिलती, और गोल्डन एप्पल हमें नहीं मिला। दैट्स अ वेरी रेयर लूट, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। वो तो कम से कम 3-4 टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद ही मिलते हैं, 3-4 ये वाले डेजर्ट टेम्पल। सो अभी जहाँ से आए हैं वहीं से ऊपर चलेंगे, पर उससे पहले एक बार यहाँ पर टॉर्च लगा के ना TNT माइन करता है। TNT आप हाथ से भी माइन करोगे ना, इतनी तेज टूटता है, मतलब बहुत तेज टूटता है, क्योंकि TNT ना बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं कि धमाका करेगा तो कमज़ोर होता है, धमाका करता है तो बहुत बड़ा धमाका कर देता है, पर वैसे तोड़ने में कमज़ोर होता है, फटाफट टूट जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हम ब्लॉक्स लगा के ऊपर चलते हैं। पहले आप देख लेना कहाँ से आए हो, इस वाली साइड से आए हो ना, तो मतलब इस चेस्ट के आगे से निकलना है, जहाँ से भी आए वहीं से निकलना, वरना अगर नहीं भी निकलोगे ऊपर पहुँच के ब्लॉक तोड़ देना, यही बात है बस। तो पहले देख लेना आपके पास सारे ब्लॉक्स हैं, ओके, कितने ब्लॉक्स हैं, मतलब पहुँचने के लिए इनफ ब्लॉक्स हैं, और प्लेस करते करते पहुँच जाना। अभी देखता हूँ, मेरे पास प्लैंक्स यूज़ करने पड़ेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अरे कहाँ देखिए, अरे कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से फटाफट निकल जाया करो, क्योंकि ना अंधेरा होता है अंदर, तो ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होगा तो फिर आपको वो मारेंगे, तो उससे तो अच्छा ही है निकल दो। और फिर मैं अभी वो ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैंने आयरन देखा था, आयरन ढूंढना है। आप सोच रहे होंगे मेरे पास डायमंड है, मैं तो डायमंड की पैकेज बना लूँ सीधा, आयरन क्यों ढूंढ रहा हूँ। सो गाइस, अभी रात होने वाली है और ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएंगे, तो मैं अपना ना क्राफ्टिंग टेबल निकाल के वूल बना लेता हूँ। तभी तो मैंने आपको बोला स्ट्रिंग्स मिले तो कलेक्ट करो, क्योंकि स्ट्रिंग से वूल बन जाती है और वूल से बेड बनता है। अगर आपको शीप भी मिला ना, शीप को भी मारो, उससे भी वूल ही मिलती है। तो मेरे पास अभी 3 हो गए, तो 3 इनफ होते हैं। बेड वाले सेक्शन में जाओ, इस पे दबाओ, हाँ हो गया, अब बन गया मेरा बेड। लगा के सो जाता हूँ ताकि मेरे को कोई ज़ॉम्बी मार ना पाए। अब इधर उधर घूम रहे होंगे ज़ॉम्बी जैसे मैं सुबह उठूँगा। यस, देखा कितने सारे ज़ॉम्बी हैं। अब देखो, एक तो मेरे पास सा भी रहा ज़ॉम्बी, पर आते आते ही मर जाएगा शायद। सो ओके गाइस, मैं वही वाले विलेज में आ चुका हूँ जो मैं दिखा था, और यहाँ पे ये देख सकते हो लाइब्रेरियन है, इसकी मैं ट्रेड देख रहा हूँ क्या मेंडिंग वाली बुक को दे रहा है क्या, पर मैं RGB लाइट की वजह से देख नहीं पा रहा। सो ओके गाइस, मैंने अपना ना ये घर को बेस बना लिया है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे अपना आयरन स्मेल्ट कर रहा हूँ, ये देखो। तो मैंने स्मेल्ट पे लगा दिया और मैं सो जाता हूँ अभी फिर फटाफट से, जैसे रात हो गई है ना इसलिए सो जाता हूँ। और ओके गाइस, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे देखो क्राफ्टिंग टेबल है। अब मेरे पास 3 आयरन है, आप अगर उसको मारोगे, क्या बोलते हैं, आयरन गोलम को, तो आपको 3 आयरन मिल जाएंगे। मैंने आयरन गोलम को मार दिया, पर याद रखे 3 ब्लॉक चढ़ के ही मारना। ये क्या है, चोरी करना रहा है, मतलब कर सकता है नहीं कर सकता वो तो मतलब पता नहीं, एक्चुअल में अगर बताऊँ नहीं कर सकते ये चोरी। सो इसका ट्रेड देख लेता हूँ, और यहाँ पे है इसकी ट्रेड, मतलब कोई नॉट बैड, गुड ट्रेड है, पर महंगा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे रेड करवानी पड़ेगी विलेज पे, तब जाके ये सस्ता होगा। 30% डिस्काउंट वाली बात याद है ना गाइस, शुरुआत में बताई थी। तो ओके गाइस, मैंने ना अभी यहाँ पे विलेज में ना एक बिल्ली देखी है, उसको फिश खिलाने से वो टेम हो जाएगी। सो लेट्स गो एंड ब्रिंग सम फिश। एंड गाइस, आई हैव फिश नाउ, कट कर दिया था मैंने वो सीन। ओके, यहाँ पे मैंने फ़िश निकाली, अरे गोल्ड क्यों आ गया, फ़िश आ जा। हाँ, अब देखो गाइस, मेरे पास फ़िश आ गई है बिल्ली। अब देखो, ऐसे आपको क्राउच करके बैठना होता है, तभी वो आपके पास आती है बिल्ली, धीरे 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 धीरे। और जैसा कि अभी देख रहे हो, आ रही है, बहुत बढ़िया। और पीछे से एक और आ रही है, वाह। और गाइस, आपको मूवमेंट नहीं करना, ये देखो मैंने मूवमेंट करी और वो भाग गई, और मैंने अभी सेट कर लिया है, ये भी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। टेम, जैसे टेम का बटन आया दबा दो, देखो एक ही में टेम हो गई, ज़्यादातर नहीं होती, मतलब लकी चांस एक में टेम हो जाए। और ये भी सेटेड है पूरा, मतलब सेट है। ओके, ये भी एक में टेम होगी, वाओ। सो गाइस, देख सकते हो हमारे ये बिल्ली है, इसको वहाँ पर करना पड़ेगा। और एक बिल्ली तो फर्नेस पे जाके चढ़ के बैठ
हमारी एक बिल्ली फर्नेस पे बैठ गई, एक पे एक क्राफ्टिंग टेबल के पास बैठ गई और एक बेड पे बैठ गई। तीन बिल्लियाँ हो गई हमारे पास, एक छोटी अभी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही प्रोग्रेस था, अगली वीडियो में और प्रोग्रेस करेंगे। बाय।